वर्धामना के अंतर्गत आने वाले नाकलवाड़ी परिसर में गोपाल नागेश्वर महादेव मंदिर में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का दिन मनाया गया। इस मौके पर परिसर के सैकड़ों भक्तों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर महाशिवरात्रि का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस श्रृंखला में नागपुर के वर्धामना परिसर के नाकलवाड़ी में गोपाल नागेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का कार्यक्रम बड़े ही आनंद से किया गया। मंदिर परिसर में हवन किया गया, श्रद्धालुओं ने भोले बाबा की पूजा अर्चना की। जगह जगह पर भक्तों का तांता लगा हुआ था। इस मंदिर की स्थापना 21 अगस्त 2013 में हुई है। इस मंदिर का क्षेत्रफल तकरीबन 10,000 फुट में है। नाकलवाड़ी मंदिर परिसर की जनसंख्या 10,000 बताई गई है। मंदिर परिसर में बढ़िया गार्डन और नदी का किनारा है। इन सभी विशेषताओं को देखते हुए इस गोपाल नागेश्वर महादेव मंदिर में दूर दराज से हजारों श्रद्धालु आते रहते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में मंदिर के संस्थापक प्रहलाद अग्रवाल इन्होंने जानकारी दी। मेरे दिमाग में ये आया कि इतनी प्यारी जगह भगवान ने मेरे को दी है मेरी मेहनत की, तो मैं यहाँ एक छोटा सा मंदिर शिव मंदिर बना। और जब मैंने ये विचार किया तो नसीब से तहसीलदार साहब यहाँ हाजिर थे, उन्होंने ये बताया कि भाई तुम अपने कैंपस में क्यों बनाना चाहते हो, सामने तुम्हारी रोड के परली तरफ तुम्हारी जगह है। और जब जगह देखी तो इतनी प्यारी लगी कि सोचा कि भाई यहाँ भोले बाबा का मंदिर, तो मैंने बच्चों को कहा कि भाई यहाँ हमको शिव मंदिर बनाना है। तो मेरी बेटी एक आर्किटेक्ट है, उसने डिजाइन बना के दिया और ये शिव मंदिर 2013 में बना। और भोले बाबा की अभी मेरे ऊपर अपार कृपा है और उसी की वजह से आज मेरे को कितना आनंद हो रहा है कि यहाँ हजारों आदमी दर्शन करने आ रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालु को साबुदाना खिचड़ी, दूध और सोन केक बांटा गया। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रहलाद अग्रवाल जी के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जिससे हमारी भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, इस नाते से हम लोगों ने सभी ने आज का प्रोग्राम करने का निर्णय लिया। यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। और अभी हम लोगों ने जो एक मुहिम छेड़ी है स्वच्छ भारत स्वच्छ परिवहन भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन के लिए, ये जो आरटीओ परिवहन माफिया है आज जो ये आतंकवाद का रूप ले चुका है, इसको खत्म करने के लिए जड़ से उखाड़ने के लिए हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे। भविष्य में नाकलवाड़ी स्थित इस मंदिर को और भी अच्छा बनाने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी लगातार काम करती रहेगी, ऐसी बात आयोजकों ने आश्वस्त की है। दर्शकों, इस समय में इन विजन की टीम नागलवाड़ी के उस शिव मंदिर में आई हुई है जहाँ पे आज भगवान श्री शंकर जी की महाशिवरात्रि की यात्रा और कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। ये बताइए कि आज यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहूँगी इस पूरे मंदिर के बारे में, क्या आपकी राय है? आप कहाँ से आई हो और कैसा लग रहा है आज? नागपुर से आई हूँ और अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं हम, 3 साल हो गए अभी, हम जो भी मांगते हैं हमारी इच्छा पूरी होती है। हाईवे रोड टच ये मंदिर है, पानी सुविधा और नदी किनारी मंदिर है। और अभी ये मेरा 3रा साल है, जो भी इच्छा है मेरी पूरी होती है बस। आज 21 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन है और इस दिन पे लोग हर जगह पे कहीं ना कहीं जाते हैं दर्शन के लिए। तो नागपुर से नियरेस्ट 0 माइल से ये करीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे हम यहाँ पे करीबन 3-4 साल से आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी श्रद्धा है ये मंदिर में, और जो भी मनोकामना हम यहाँ पे मांगते हैं तो पूरी होती है। नागलवाड़ी का ये वही शिव मंदिर है जहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से लेकर अब तक के हजारों की तादाद में यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पे आया और उन्होंने माथा टिका हुआ है। महाशिवरात्रि का ये पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नागलवाड़ी में भी यहाँ भक्तों का मेला लगा हुआ है और नए नए प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहे हैं। और ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, अपने आप में खास है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में पानी है और एक ऐसा नेचुरल जो वातावरण होता है वो दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा गार्डनिंग है, बैठने का भी चीज़ सुविधा है और भक्तों को जिस प्रकार से प्रसाद का जो वितरण किया है वो अपने आप में एक है। लोग कुछ लोगों से जब हमने बात किया तो कुछ भक्तों ने ये भी बताया कि उनकी मनोकामना पूरी हुई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब जब भगवान अपने भक्तों के
ऊपर में एक नज़र डालते हैं तो उनकी इच्छाएं, आशाएं और आकांक्षाएं ये पूरी होती है, बशर्ते हमें थोड़ा सा सब्र करना होता है। और भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो भगवान का सुमिरन हर दिन हो या रात जो करते रहते हैं। नागपुर के नागलवाड़ी से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, NBCN न्यूज़ नागपुर। 24 घंटे न्यूज देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप। मोबाइल में 24 घंटे आपको मिलेगी राजनीति, क्राइम, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और मौसम समेत देश विदेश की तमाम खबरें। प्ले स्टोर पर जाकर ताजा खबरों के लिए इंस्टॉल करें NBCN न्यूज ऐप। Install the app now in BSN News.